नमस्कार दोस्तों दोस्तों देखिए बैठा हूँ मैं अपने टेरेस गार्डन में और सुबह ही सुबह और मैं बैठा हूँ एक बहुत ही प्यारे से पौधे के पास। ये है ना, इसको कहते हैं कढ़ी पत्ता या करी पत्ता, और इसका रोज़ाना ही इस्तेमाल किया जाता है। हमारे किचन में, हमारी रसोई में, हर घर में करी पत्ता का इस्तेमाल होता ही है। कढ़ी वगैरह जब बनाते हैं ना, इसीलिए शायद इसको कढ़ी पत्ता क्या बोलते हैं, कढ़ी वगैरह में इसको इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही बढ़िया और फ़ायदे गिनवा दो पहले, क्योंकि बात ये थी क्यों उगाए साहब इसको। इसको उगाना इसलिए चाहिए क्योंकि देखो हर रोग की जड़ होती है हमारा पेट, और ये पाचन को रख करता है सही। तो एक तो हमारे पाचन के लिए बहुत ही बढ़िया है इसकी पत्तियां जो है। इसका इस्तेमाल हम फूलों के लिए नहीं, ये हमारा एक हर्बल प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट है करी पत्ता। और बड़ा ही केवल पेट नहीं, ये हमारे बालों के लिए। इसकी पत्ती तोड़िए, पत्ती को मिक्सी में इसको पीस लीजिए, और वो पीसा हुआ जो पेस्ट है ना वो बालों में लगा दिए तो हमारे बालों की हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया है ये। बालों की ही नहीं, पेट ही के नहीं, ये हमारे स्किन केयर के लिए भी बहुत ही बढ़िया है। इसकी पत्तियां जो है ना किचन में और मेडिसिनल पर्पज दोनों तरह से इस्तेमाल होती है, और इसका जो उपयोग है कोलेस्ट्रॉल को कम करने, डाइजेशन को बढ़ाने के लिए, लीवर विकृतियों में, हेयर ग्रोथ, वेट लॉस, डायबिटीज और ब्लड सर्कुलेशन में इसका इस्तेमाल करते हैं। इनकी दवाइयों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंटी ऑक्सीडेंट से भरपूर है ये, तो ये हमारे पाचन के साथ डायबिटीज के लोगों के लिए, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने के लिए, तो ये हमारी बहुत सारी चीज़ों के, हमारे लीवर के लिए, हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए ना करी पत्ता बहुत ही बढ़िया है। तो इसमें इसको उगाने के लिए, इसे हरा भरा ऐसा करने के लिए क्या करना चाहिए, ये मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखो एक तो इसमें हर जैसे हमें तो डेली भोजन की ज़रूरत पड़ती है, तो इनको भी पड़ती है, तो इनके लिए ये ज़रूरी है कि इन्हें नियमित भोजन मिले, क्योंकि इसे हम खाते हैं तो भोजन भी इसे जैविक मिले, ऑर्गेनिक मिले, रासायनिक उर्वरक इसमें मत डालिएगा। तो इसमें महीने में एक बार कम से कम एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट देना ही देना है, जिससे क्योंकि ऑर्गेनिक जो होता है उसमें सभी पोषक तत्व इसको मिल जाते हैं। रासायनिक देंगे तो वो थोड़ा सा, क्योंकि हम इसको खाते हैं तो वो ठीक नहीं रहता है खाने वाली चीज़ों में। तो ये जैसे कि मैं आज यहाँ देखो ये लिए हूँ, यह हमारा वर्मी कंपोस्ट। खुरपी क्यों लिए हूँ, क्योंकि इसको कुछ इसमें जो ना खरपतवार वगैरह उग जाते हैं तो उनको निकालने के, अब ये देख रहे हैं इसमें, इसमें जो है ये करी पत्ते के बीज कुछ गिर गए होंगे इसमें, और ये नीचे से भी जड़ों से निकल आता है, तो ये फालतू हमारा भोजन लेंगे, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। या किसी दूसरे पोट में इनको आप लगा सकते हो, अगर आपको उगाने हैं तो ये उग गया है। ऐसे खरपतवार वगैरह जैसे आप निकाल दें, और इसमें जो कुछ जड़ें बहुत ज़्यादा फैल जाती है उनकी भी प्रूनिंग हो जाती है इससे, तो इसमें जो ऊपर तक आ जाती हैं उनको अगर निकाल देंगे तो ऐसे देख रहे ऊपर तक ये जड़ें आ जाती हैं, ये जड़ें इसमें ऊपर तक आ जाती हैं, तो इनकी भी प्रूनिंग हो जाती है इनकी भी। तो बीच बीच में इसको ऐसे निराई गुड़ाई करिए इसकी, तो इसके खरपतवार निकल जाएंगे। और इसमें एक मुट्ठी ये हर महीने एक दो मुट्ठी इसमें उर्वरक, ये वर्मी कंपोस्ट इसमें हम मिला देते हैं। और हाँ, गमले का बहुत ध्यान रखना है, गमला बड़ा होना चाहिए, क्योंकि छोटा पौधा नहीं होता, काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो बड़े गमले में ही, जैसे हमने ये बड़े गमले में रखा हुआ है, काफ़ी बड़ा गमला है, इसमें ये हमने, क्योंकि बड़ा गमला है तो इसमें मैंने दो तीन मुट्ठी मिला दिया है ये अपना वर्मी कंपोस्ट, और इसको मिला के इसमें मिट्टी में हम मिला देंगे अच्छे से। अभी मैंने इनके पौधे जो नीचे से उभरे इनको डिस्टर्ब मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको नहीं रखने हैं और ये जो प्रून हुई ऊपर की जड़ें उनको निकाल दीजिए, हटा दीजिए, तो ऐसे मिला देना है। तो एक तो इसका, इसके खाद का ध्यान रखना, हर महीने हमें ये करना है,
सर्दियों में आप ना करें, लेकिन सर्दियों के बाद जब बसंत से के बाद हर महीने आपको करना है। इसमें ऊपर की तरफ फ्लावरिंग हो जाती है, बीज हो जाते हैं, तो हमें पत्तियां चाहिए, हमें बीज की ज़रूरत नहीं है, तो उनको काट देना चाहिए। ये जैसे इसका ग्रोथ पीरियड आता है सर्दियों के बाद, तो इसमें बीज बीज वगैरह बनना शुरू हो जाए, उनको तोड़ते रहिए। और एक ख़ास बात जो ध्यान रखनी है, वो इसको धूप में रखना है, छाया में नहीं रखना। जैसे हमने बाहर रखा हुआ, अभी सूरज अभी जैसे ही निकलेंगे सबसे पहली किरणें सूरज की इसी पर पड़ती हैं, तो इसको हमें बाहर धूप में रखना है। तो ये बहुत ही बढ़िया, धूप में अच्छा चलता है। जहाँ तक बात है पानी की, तो पानी इसमें तभी दें, अब तो क्योंकि मौसम बरसात का है तो पानी की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही हमें, तो इसमें लग ही जाता है। जब इसकी मिट्टी बिल्कुल सूख जाए तभी इसको पानी देना है, ये नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा पानी भर दिया। और हाँ, आज अगर आपको पानी ज़्यादा लग रहा है, ऐसा लगता है ज़्यादा मेरे यहाँ हो जाता है, तो आप इसमें नीम की खली या आप अपना कोई भी खली इसमें डालिए, तो वो भी देखो पोषण का भी काम करती है और फफूंदी से भी बचाती है। तो नीम की खली भी इसमें वर्मी कंपोस्ट के साथ नीम की खली भी अगर मिला देंगे तो ये बहुत अच्छा काम करती है। तो मैंने एक तो ये बताया कि रखना कहाँ है, धूप वाले स्थान पर रखना है। दूसरा मैंने बताया पानी की बात, पानी इसे तभी दें जब इसकी मिट्टी सूख जाए। तीसरा गमला, बड़े साइज के गमले में लगाइए और वेल ड्रेन्ड हो, ऊपर से जो इसकी सॉइल भी वेल ड्रेन्ड सॉइल हो, ऊपर से आप पानी डालें तो नीचे से निकल जाए, पानी फालतू पानी ना रखें। इसके अलावा मैंने क्या बताया, इसमें फ्लावरिंग और बीज जो आ जाते हैं, हमें क्योंकि पत्ते लेने हैं उनको काट दें, हमें हटा दें, उनको नहीं रखना, इसकी निराई गुड़ाई करते रहें, जिससे कि इसकी प्रूनिंग भी ज़रूरी है, और उसको प्रूनिंग करते रहें जिससे वो फालतू की जड़ें हैं वो कट जाए। रिपोर्ट करने की आवश्यकता समझ रहे हैं, ये इसकी जड़ें ड्रेनेज होल तक को बंद कर दी हैं, तो रिपोर्ट कर दीजिए इसको। तो ये कुछ चीज़ें जो हमारा पौधों के लिए होता है ना, एक एस एम एस, एक तो व्हाट्सएप SMS या जनरल SMS जो हम भेजते, वो नहीं, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ SMS, यहाँ मायने रखता है S मतलब सॉयल का, तो वेल ड्रेन सॉयल रखना है, M मतलब मॉइस्चर, तो इसकी मिट्टी तो नम हो लेकिन वो दलदली या गिल्ली ना हो, और एक होता है सनलाइट का, तो सनलाइट यहाँ इसे धूप में रखना है, इसे भरपूर सनलाइट मिलनी चाहिए, और इसमें रासायनिक उर्वरकों का नहीं बल्कि जैविक खादों का इस्तेमाल करना है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हमें इसको देना है। तो इन चीज़ों पर अगर हम करी पत्ते के ध्यान दे लेंगे तो ये हम इसका स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, तो ये हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा। और इसकी अपनी पत्तियों को डेली अपना खाइए, इस्तेमाल करिए, ऐसे भी चबा लेंगे तो जो मधुमेह के रोगी है ना, खाली पेट सुबह ही सुबह आप मॉर्निंग वॉक में जा रहे हैं या गार्डन में काम करने जा रहे हैं, कुछ पत्तियाँ चबा लीजिए, तो ये मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसमें एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो हमारे जनरल स्वास्थ्य के लिए भी बहुत बढ़िया है करी पत्ता। तो इसको मैंने इसके लाभों के बारे में, कैसे इसको केयर करना है उसके बारे में आपको बताया, और बसंत और बरसात दो मौसम हमारे ऐसे हैं जिनमें आप इसको इसकी कटिंग से भी इसको लगा सकते हैं, इसकी नर्सरी से पौधा ला के लगा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया चलते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं एक ऐसी वीडियो में। तो कैसा लगा, अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइएगा, और अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे कि अपने खूबसूरत से टेरेस गार्डन की ऐसी पौधों से मैं आपको मिलवाता रहूँ। थैंक यू, नमस्कार, फिर मिलते हैं।